बताओ यार, कल से लॉकडाउन लग जाएगा। क्यों है ना, लॉकडाउन लग जाएगा कल से है भाई? अबे सबके सब बहिरे हो गए हो क्या? हाँ पता है लग जाएगा, तो क्या करें बताओ, नाचे गाए हैं। अरे भैया करना ही क्या है, घर पर बैठ के मस्ती करेंगे मजे से और क्या। बॉबी यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, तुम्हें इसका कोई गम नहीं है? अरे यार माँ कसम हमें है बहुत गम, हमारी आंखें हैं अभी तक नम, विश्वास नहीं होता तो देख लो यार। हाँ यार अब लॉकडाउन लग जाएगा कल से, तो मिलना मिलना सब बंद हो जाएगा, जिंदगी कलर टीवी से एकदम ब्लैक एंड टीवी जैसी हो जाएगी, बोरिंग एकदम से है। यार रॉनी तुमने एकदम सही कहा यार, तुम लोगों के बिना हमारी जिंदगी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही हो जाती है एकदम, समझ लो। अच्छा कुछ भी कही लो, रॉनी की शक्ल चाहे जितनी गंदी हो पर दिल का उतना अच्छा है लड़का। काहे बे ऐसा क्यों कह रहे हो? यार अब शक्ल गंदी है तो है, क्या कर सकते हैं, भगवान की देन है और क्या। ऐसा है ना चुग्गू, कान के नीचे एक मारूंगा ना मुंडी चकर घिन्नी की भांति 360 घूम जाएगी। मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, ऐसा क्यों कहा ये पूछ रहा हूँ। अरे वो अभी अभी तुमने कहा ना कि हम लोगों के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, तो वही उसी बात पे कहा था चार्ली ने। अबे सबके सब पगला गए हो क्या, हम तुम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोनिया की बात कर रहे थे, हमारी जान है वो, हमारी आन बान शान है वो, समझे। देखो जरा इसको बेशरम कहीं का। अच्छा एक बात बताओ रोनी, हम लोगों से तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अबे यार हमने कब का कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हम तुम लोगों के बिना मर जाएंगे, ओ वाह ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ हम सोनिया के बिना मर जाएंगे बस। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो यानी सोनिया के बिना तुम मर ही जाओगे? अरे मर जाओगे, अरे अभी कुछ टाइम पहले ही सोनिया अपनी नानी के यहाँ चली गई थी कुछ दिनों के लिए, पता है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी यार हमको। अबे सही से चेक कराए होते बे, कोरोना हुआ होगा। अरे कोरोना होगी परोना, हमारी वैक्सीन है सोनिया बता दे रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं भगवान करे इसको हो ही जाए कोरोना, फिर देखना इसकी वैक्सीन कैसे खुद इससे दूर भागेगी। मतलब यार हम बता रहे हैं तुमको, खाना मांगे तो तू पानी, रात को सोता लगा के मच्छरदानी, दोस्त मुझे प्यार से कहते जानी, मेरा काटा मांगे ना पानी। आओ, आओ। अरे ये क्या बजा अभी अभी? यार हमारे फोन पे मिस कॉल थी। अरे वाह लगता है नया गाना आया है, पहली बार सुन रहे हैं क्यों बॉबी? आया ये तो मस्त था एकदम चाली यार, एक बार और सुनाओ इसी बात पर। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये लो ऐसे हमारी कॉलर ट्यून सुन लो। तेरे रस्ते का है जो पहली बार पी जाए तो मजा आ गया। क्यों अब बोलो क्या हुआ, हो गई बोलती बंद, बताओ सुनना है और ये गाना। ए रॉनी इधर देखना जरा, ये नया गाना है। नया? अरे ये समझो एकदम लेटेस्ट है, एकदम ताजा ताजा निकला है, तुम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे तभी रिलीज हुआ है बाबा। अच्छा और रिलीज होते तुमने कॉलर ट्यून सेट भी कर ली है? और क्या यार बहुत फास्ट फॉरवर्ड है हम, जितना तुम में तीनों को जो है कुछ सोचने में टाइम लगता है ना, उतने में हम वो काम कर भी चुके होते हैं समझे। वो देखो आसमान में तारा, रोनी के बच्चे लात मार मार के नीला कर दूंगा तेरा पिछवाड़ा। ये इतना पुराना गाना है, इसको लेटेस्ट बताता है। ये पुराना गाना है और क्या, 4-5 साल हो गए चिंकी के घर के बाहर जाके उसको सुनाया करता था। अरे महाराज वो दूसरा था, ये दूसरा है, लेटेस्ट वर्जन है, इसके बोल सुनो जरा है, सुनते उनते हैं नहीं बस आ जाते हैं ज्ञान बगान में बट। अरे बच्चों हम क्या कह रहे थे, तुम लोगों को कोई चाय वाय तो पीनी नहीं है, आके बैठे हुए हो बच्चों, दुकान अभी बंद नहीं करने दे रहे हो यार, हमको दुकान बंद करनी है। झमरू चाचा कर लेना, वैसे भी कल से तो लॉकडाउन है, बंद ही रहेगी दुकान। अरे बेटा कल लॉकडाउन हो या ना, अब तो वैसे भी दुकान बंद ही रहा करेगी। का मतलब भाई चाचा तुम्हारा, हम समझे नहीं, बंद कर रहे हो क्या दुकान अपनी? नहीं बिटुआ देख रहे हो, लॉकडाउन हो या ना हो कोरोना इतना फैल रहा है, तो दुकान खोलना यानी अपनी जान को मुश्किल में डालना, इसलिए हम बंद ही रखेंगे सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है यार चाचा तुम जाओ, चिंता मत करो, हम लोग भी बस जा रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है ठीक है बच्चों, हम चल रहे हैं बच्चों, अपना ध्यान रखना ठीक है, कोरोना से बच के रहना बच्चों, बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो यार फिर घर चलते हैं और क्या। अरे यार रुको हमारा फोन बज रहा है। काहे बे इस बार गाना क्यों नहीं बजा बे? हम साइलेंट कर दिया था। काहे काहे, गर्लफ्रेंड का फोन है ये? अरे नहीं यार भाभी का फोन है। हाँ हेलो, हाँ हाँ भैया बोलिए, क्या हाल चाल है? हाँ हाँ क्या ये नहीं हो सकता भैया, कह दीजिए ये झूठ है। अरे नहीं ए भगवान ये क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है हम फोन रखते हैं भैया। अरे का हुआ चार्ली, काहे ये गंगा यमुना बहा रहे हो बे? हाँ कुछ बोलते क्यों नहीं बे, हमारा दिल बैठा जा रहा है। नशा कर लिए हो बे क्या, इतनी ऐसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अबे वो हमारी हमारी भाभी। नहीं ये भगवान ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अबे काहे बे तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, हैं तुम्हारी भाभी है कि उसकी? यार हाँ तो उसके, लेकिन हम फील ले गए यार। अरे चार्ली रोना मत, ना ना कोई बात नहीं चार्ली, आखिर जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है नहीं ना, कोई बात नहीं। क्या बोला?
हाँ मतलब यार क्या कहें, जाने वाला तो चला जाता है, आंखें कुछ आई जाता है तो वो है उसकी याद याद याद। कोई बात नहीं, भाभी बहुत अच्छी थी मुझे पता है। कुत्ते जाहिल कवार अनपढ़। सुअर सुअर बोलो। सुअर। अबे हमको क्यों मारा बे, हमने क्या कही है? अभी और मारेंगे अगर और कुछ बोला, अभी उनको कुछ हुआ नहीं है समझे, बस कोरोना पॉजिटिव हुई है। क्या क्या बोल दिया बेवकूफ कहीं का। इसे कौन हुआ है कोरोना पॉजिटिव, भैया की भाभी? मेरी भाभी। अच्छा अच्छा, लेकिन भाभी हम समझ नहीं पा रहे हैं भाभी कहीं से पॉजिटिव हो गई बे। अरे इनके भैया पॉजिटिव हुए होंगे तभी तो इनकी भाभी भी हो गई। नहीं यही तो गम है बे, भाभी हो गई, भैया को कुछ नहीं हुआ, एकदम चंगे हैं वो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि भाभी को नहीं होना चाहिए था ना, भाभी लड़की है, लड़की लोग नाजुक होती हैं थोड़ा, तो भैया को होता तो चल जाता, यू नो। लड़की है कि भाभी है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं बे। अबे भाभियां तो क्या हुआ है, तो लड़की ही ना यार। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता यार। क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ जो है लड़की नहीं होती है? यार हमारे यहाँ सिर्फ शादी से पहले लड़कियां होती हैं, शादी के बाद सब चाची मामी सब लोग भाभी सब औरतें हो जाती हैं। अरे गुरु जी तुम क्षमा करो यार, अलग ही प्रजाति का इंसान है ये। यार चाली तुम ना रहो, चिंता ना करो, भाभी सही हो जाएंगी। ना रोए कैसे ना रोए हैं, बताओ हमको बताओ। फोन आता था भाभी का, कहती थी जानू ठीक तो हो ना, आ जाओ। या हम कहते थे भाभी एग्जाम चल रहे हैं, तो भाभी कहती थी अरे आ जाओ जानू, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता, तो हम भी चले जाते थे। हम क्या कह रहे थे जानू, मतलब चाली तुम्हारी भाभी तुमको जानू बोलती थी? हाँ प्यार से बोला करती है। अरे तो लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, तो फिर भैया को क्या बोलती है? अरे कुत्ता कमीना कुछ हमारा मतलब बोलती होगी कुछ उनको भी यार, तुमको क्या यार इस बात से। अरे यार चाली चिंता मत करो, भाभी ठीक हो जाएगी, कोरोना ही है ना, कोई बात नहीं, विश्वास रखो। वैसे भी अगर ठीक ना भी हो तब भी याद रखना, ट्रेन बस और भाभी एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है। तो रुक अभी बताता हूँ तुझे। अरे यार मजाक कर रहे थे, कह रहा है एक जाती दूसरी आती, दूसरी जाती तीसरी आती, पागल कहीं का। अरे बच्चो तुम सब इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो बच्चो? अरे वो इनके भाभी मर गई, अब कल लॉकडाउन लग रहा है ना मुझे, अच्छा तो उसी की बातें कर रहे थे। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? लेकिन बैठा तुम लोग यहाँ बताओ बैठे क्या कर रहे हो, लॉकडाउन ठीक है क्या? झमरू की चाय पीने आए थे क्या? हाँ कह सकते हो झमरू चाचा की चाय पीने आए थे। अरे बेटा अब तो झमरू की चाय कोई ना पी पाएगा, बहुत बढ़िया चाय बनाया करता था हमारा झमरू। क्या मतलब चाचा तुम्हारा बनाया करता था यार, अभी अभी हमारे सामने बना के गए हैं। अभी अभी सामने बना के गए हैं? ए चाली बेटा सस्ते नशे करने लगे हो का? अरे यार अरे बताओ ना यार तुम दोनों क्या बैठे हो, अभी अभी तो हमारे सामने गए दुकान बंद करके। हाँ रामू चाचा ये सही कह रहा है, अभी अभी हमारे सामने गए दुकान बंद करके, हमसे पूछ भी रहे थे बेटा चाय पियोगे, हम लोगों ने मना कर दी। अरे बच्चों कैसी जो है पगलेटो वाली बातें कर रहे हो बच्चों, तुम लोग कैसे देख सकते हो झमरू को? हाँ और चाचा हम देख सकते हैं, हमें चश्मे की जरूरत नहीं है। अरे चश्मे की जरूरत नहीं है, हमारा मजाक उड़ाते हो, झमरू 3 दिन पहले मर चुका है समझे। ये क्या कह रहे हो चाचा, अभी हमारे सामने से मर चुके हैं? और का कोरोना हो रखा था उसको, परसों निपट गया भैया वो, तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठते हो, यहाँ कोई नहीं आता वो भी रात में। कहते हैं झमरू कहीं अपनी चाय पिला दिया ना भूतिया चाय, तो टिकट कट जाएगा ऊपर का। अबे हमको भी तो चाय पूछा था बे, अबे अच्छा हम लोग नहीं पिए चाय वरना हम लोग भी मारे जाते हैं। अच्छा बच्चो अब हम चलते हैं समझे, तुम लोगों को बैठना है तो बैठो और हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, पहले हम बहुत बैठते थे, हमको डर लगता है भैया कहीं आ गया कहीं झमरू, चाय पिला दी हमको तो क्या होगा हमारा, हमको नहीं बनना, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम चलते हैं बच्चो। अब हम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं बे, हम लोगों को भी भागना चाहिए ना। हाँ सही का जल्दी से भागते हैं। रुको भाई हमको जरा चैनल प्रमोट करने, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी भाभी के लिए दुआ करिए, वरना हमारा क्या होगा भाई। ए बच्चों तुम लोग अभी तक गए नहीं हो, जब बैठे ही हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, जरा चाय पी के जाना हमारे हाथ की। तेरे प्रमोशन के चक्कर में भूत आ गया चाली, भागो बे। अरे सब तो भाग गए, कोई बात नहीं चाली बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैं मलाई वाली चाय बनाता हूँ स्पेशल। नहीं हमको नहीं पीनी मलाई वाली है, तो रुको बे हमारे लिए। अरे रुक जाओ एक बार तो झमरू की चाय पी लो, पाले जी भी खिलाऊंगा।